हेलो फ्रेंड्स, वेजी पंच में आप सभी का स्वागत है। अभी लॉकडाउन की वजह से हम सभी लोग घर पर हैं, तो यही हमारे लिए अच्छा है। तो आप लोग भी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट डोसा बिना फर्मेंट किए। तो यहाँ पे मैंने चावल और मूंग छिलका डाल लिए हैं, दोनों बराबर मात्रा में पानी में भिगो दी। बनाना तो मैं खिचड़ी चाहता था, लेकिन प्लान चेंज हो गया, तो अब हम डोसा बनाएंगे। तो अब इसको भिगोए हुए एक घंटा हो चुका है, तो इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से। हमने दाल और चावल का फाइन पेस्ट बना लिया और थोड़ा इसमें पानी मिलाया है और कुछ भी नहीं मिलाया। इसका इस तरह से कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब हम इसमें नमक मिलाएंगे स्वाद अनुसार। इसको मिक्स कर लेना है। हमें इतना पतला चाहिए डोसा का बैटर, आप देख सकते हैं। तवा एक बार गर्म हो जाए तो आप स्टोव को या तो ऑफ कर लें या इसे लो फ्लेम पे कर दें। अब आपको जितनी बड़ी साइज का डोसा चाहिए उस हिसाब से बैटर लेके इस तरह से फैलाएं। अब मैं स्टोव को ऑन कर रहा हूँ और फ्लेम को हमें हाई रखना है। और डोसा क्रिस्पी बने इसके लिए हम इसे ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे सिकता जाएगा किनारे से अपने आप अलग होता जाएगा ये। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी है और एकदम हल्का है वेट में, और इसका कलर लाइट ग्रीन है क्योंकि हमने छिलका दाल यूज की थी इसलिए। तो देखिए दोस्तों कितना क्रिस्पी और लाइट वेट का डोसा बना है। इसे हमने बिल्कुल भी फर्मेंट नहीं किया और ना ही कोई सोडा इसमें मिलाया है हमने। तो खिचड़ी बनाने का प्लान था इसलिए एक घंटा दाल को भिगो दिया था चावल के साथ। आप चाहें तो आधा घंटा भी भिगो सकते हैं, फिर भी बनाएंगे तो भी क्रिस्पी डोसा ही बनेगा। यहाँ पर मैंने साथ में लिया है आलू का मसाला, आप चाहें तो साथ में कोकोनट चटनी या टमाटो चटनी भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही कम सामान में ये रेसिपी बन जाए तो सभी को बहुत पसंद आएगा। तो अगली वीडियो आने तक के लिए बाय फ्रेंड्स। खिचड़ी वाले दाल चावल से हमने बहुत ही टेस्टी लाजवाब मज़ेदार नाश्ता बना लिया है। आप भी इसे नाश्ते में खाइए, जब भी आपका मन हो खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।